फैमिली वेलकम बैक माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप ठीक होंगे होंगे और होंगे। और स्वस्थ भी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ स्वस्थ हूँ मजे में हूँ और आप लोग भी मजे में होंगे और अभी देखिए यहाँ पर हो रही है मेरी सफाई और आज दिन है मंगलवार और दोपहर का टाइम हो रहा है यहाँ पे मेरा सुबह का जो रिटिन रहता है सब कुछ कंप्लीट हो गया है मैं काम से भी यहाँ पे फ्री हो चुकी थी और मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन की सफाई मैं लगभग मतलब एक सप्ताह में किचन की सफाई और रूम की बाकी जो हमारी गंदगी दिखती है मैं का सफाई करती रहती हूँ गंदगी मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है मैं कहीं ना कहीं मतलब सफ़ाई करती रहती हूँ जहाँ मुझे देखे कि हाँ यहाँ करना चाहिए या यहाँ लग रहा है सफ़ाई करने के लिए तो वहाँ मैं हाथ लेके लग जाती हूँ और करने लगती हूँ स्टार्ट हो जाती हूँ करने के लिए और देखिए मैं यहाँ पे किचन की कर कर रही हूँ और मेरी जो बाकी जगह की सफाई हो चुकी है कंप्लीट तो मेरी यहीं की रह गई थी किचन की फिलहाल तो यहाँ की भी मैंने कर ली है और मैं सोच रही थी कि यहाँ की कब करूँ कब करूँ लेकिन टाइम निकाल के आज मुझे मिल गया था यहाँ पर टाइम मैं फ्री हो चुकी थी आज जल्दी फ्री हो गई थी तो मैं ऐसा ही करती हूँ मैं कि मैं अगर सुबह का जो मेरा काम रहता है सब कुछ मेरा जल्दी से फ्री हो जाता है तो मैं मतलब कोई भी काम एक्स्ट्रा कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई और मेरी बहानियाँ भी यहीं पे साथ में खेल रही थी वो भी साथ में सफाई करवाती रहती है तो यहाँ पे देखिए मैं चली गई थी वो, वो खेल रही थी बगल वाले रूम में तो वो थोड़ी गिर गई थी तो मैं उसे संभालने के लिए चली गई थी और छोड़ छाड़ के और देखिए यहाँ पे मेरे जब तक चूहों ने भी आतंक कर दिया देखिए वे <laughs> कैसे फिर रहे हैं आप लोगों को देख रहे होंगे छोटे छोटे से हैं सो यहाँ पे देखिए मैं अखबार बिछा रही हूँ न्यूज़पेपर और वैसे तो मेरे यहाँ पर वॉल पेपर मतलब पॉलीथिन का कवर है जो बिछा हुआ है लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर पॉल वो अखबार रहता है ना वो भी बिछा देती हूँ क्योंकि कंटेनर रहती हैं या तिल के हुए तो अगर तिल मिल फैल जाता है तो पॉलीथन कवर में अच्छे से मतलब साफ नहीं होता है या कुछ भी सामान रहता है तो उसमें फैल जाता है तो अच्छे साफ नहीं होता और, और ये नीचे ऊपर तो रहते हैं तो उन्हें उठा कर मतलब फेंक भी देते हैं अगर ऐसी सफ़ाई करनी हो और गंदे हो गए तो उन्हें हटा भी देते हैं और दूसरे चेंज भी कर लेते हैं और ये तो मतलब जो बॉल पेपर चिपका हुआ है तो इसे बार बार निकालने और देख सफाई करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि मैं तो हर संडे सफ़ाई करती रहती हूँ हर वीक में करती हूँ सफाई तो इसके कारण मतलब जो न्यूज़ पेपर रहते हैं वो जो इस ऊपर बिछे रहते हैं तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है वो अच्छे से मतलब साफ भी दिखती है तो मैं हर वीकली सफाई सफाई करती रहती हूँ उन्हें हटा देती हूँ और देखिए आप बच्चू ने कितना आतंक कर दिया है वो भी लैटिंग वैटिंग करते रहते हैं तो वो भी सफाई करनी पड़ती है उसकी वजह से चूहे तो क्या करें उनका तो कुछ इलाज नहीं है क्या कर सकते हैं सो फैन मैं अपनी किचन को अब यहाँ पे अच्छे से चमकाने वाली हूँ और जो बाकी कंटेनर है मैं उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर करके रख दूँगी और मैं यहाँ पे देखती भी जा रही हूँ कि मतलब कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जिसमें इसमें ला रही हूँ तो मुझे तो मैं उन्हें सूखने के लिए रख दूँगी धूप तो निकलती है अच्छी सी अभी तो तो मैंने अच्छे से सूखने के लिए रख दूँगी सूख भी जाएगी और साथ साथ में मैं ये भी देखती जा रही हूँ थी कि कौन सी कंटेनर में मतलब कुछ सामान ख़राब तो नहीं हो गया तो मैं उन्हें हटा भी दूँगी और जो खाली पड़े हैं तो मैं उनमें जो सामान भरा है वो भी भर मतलब रखा है सामान पैकेट में तो मैं उन्हें भर दूँगी और साथ साथ में मेरा सब काम होता जाएगा अच्छे से तो मैं इन्हें मेरे साफ हो गए थे कंटेनर्स मैं यहाँ पे लगा रही थी उन्हें एडजस्ट कर रही थी यहाँ पे मेरा जो सामान ख़त्म होता जा रहा था मतलब कंटेनर में तो मैं उसमें से भर दे रही थी इसमें सामान सो फ्रेंड मेरी सफाई तो चलती ही रहेगी और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे सफाई करते हैं क्या हर हाँ वीकली सफाई करते हैं और ऐसे ही जैसे मैं ही कर रही हूँ मतलब कि जो रूटीन मेरा रहता है वही आप वही रूटीन आप लोग भी फॉलो करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट भी कीजिएगा मेरा तो मतलब सब मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुँचाया करें और अपना रूटीन शेयर भी किया करें कि कैसे करते हैं और मुझे सजेशन भी दिया करें कि अगर मुझ में कोई गलत काम करती हूँ तो प्लीज़ वो भी बताया करें कि मैं ऐसा नहीं मैं ऐसा करना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं अगर मेरे साथ अपने भी रूटीन या रूटीन शेयर करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो मुझे भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती है कि मुझे भी मतलब ये ये करने के लिए हिम्मत मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्योंकि मैं तो अपने ही अकॉर्डिंग करती हूँ जो भी करती हूँ मुझे तो ऐसा कुछ ज़्यादा आता नहीं है बस जो आता है मैं करती रहती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी हो चुकी थी सफाई पूरी कंप्लीट हो गई थी अच्छे से तो मैं तो मेरा जो गंदा काउंटर कांट्रेट टॉप है तो पड़ा था तो मैं उसे कर दूँगी अच्छे से साफ सुबह तो मैंने वैसे कर दिया था तो खाना के बाद अच्छे से लेकिन फिर भी अभी सफ़ाई की तो फिर से गंदा हो गया मैं तो इसे ऐसा मतलब करती ही रहती हूँ मुझे तो गंदगी बिल्कुल पसंद ही नहीं है पता नहीं क्यों मुझे क्या है वैसे हर इंडियन वूमेन है जो है इंडियन हाउस वाइफ है किसी को भी गंदगी पसंद नहीं है सब लोगों को अपना मतलब रूम हुआ या किचन हुई कुछ भी हो मतलब सबको साफ़ सफाई पसंद रहती है और रहने भी चाहिए ताकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर मतलब अच्छे से साप साफ़ सफाई रखें तो रहने का भी मन करता है घर कैसा भी हो क्या फ़र्क पड़ता है कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे वो सीमेंट का हो चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो किसी का भी हो लेकिन मतलब साफ़ सफाई रहे ना तो अच्छे से रहने में हम लोगों के आसपास सब मतलब सफ़ाई रहने से सब लोगों को अच्छा ही लगता है और हम लोगों को भी अच्छा ही लगता है तो देखिए यहाँ पे मेरा हो चुका था नेक्स्ट डे यहाँ पे बैनस्टी हो मतलब जो ये सुबह का रूटीन है जो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ सुबह का ये मेरा लंच बन रहा है और साथ में ब्रेकफास्ट ही बन गया था तो यहाँ पे मैं टिफिन पैक कर रही थी हस्बैंड का नेक्स्ट डे शूट किया है ये मैंने वीडियो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और मैं अभी टिफिन पैक करके दे दूँगी तो हस्बैंड चले जाएँगी और यहाँ पर मेरी बान्या है वो अभी हस्बैंड के साथ अपने पापा के साथ खेल रही है तो मैंने रा, रात का वीडियो शूट नहीं किया शाम का मंगलवार का ये मेरा बैनसडी का सुबह का है ये मैंने अभी से स्टार्ट किया है और मेरी अभी यहाँ पे बन चुकी है मैक्रोनी नाश्ते में ब्रेकफास्ट में आप लोग भी आ जाइए और खाइए बताइए कैसी बनी है रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और यहाँ पे मेरी बन रही है खाना तो चलिए जब तक मैं खाना बताती हूँ तो आप लोग भी वीडियो मेरी एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन और मेरा काम किचन का था वो कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे मैं बर्तन धोने के बाद भी थोड़ा बहुत काम बचा है किचन का मैं वो करूँगी साफ़ सफाई करने के बाद सब कुछ और देखिए यहाँ पे मेरा जो बैगन का भरता है वो मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता मैंने सिलवटी पर बनाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ की जो भरता रहता है मुझे बहुत ही पसंद है हरा वाला अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है खाने में और सर्दियों के मौसम में तो काफ़ी टेस्टी लगता है तो देखिए यहाँ पे मैं मिक्सी से मैं नहीं, नहीं बना रही हूँ मैंने बैंगन को गैस पर अच्छे से भून लिए थे और यहाँ पे देखिए मैं पहले चटनी बना रही हूँ हरी मिर्च और धनिया की और नमक के साथ फिर उसके बाद मैं बैंगन को कर लूँगी इसी के साथ कद्दू कद अच्छे से मिला दूँगी और मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और सब्ज़ी में बनाई है मैंने दाल और इसके साथ मैंने ये बैंगन का भरता बनाया है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है अच्छा से मुझे तो अच्छा लगता है आप लोगों को कैसा लगता है तो बताइएगा ज़रूर सर्दियों के मौसम में हरी सब्ज़ी खाने सभी को चाहिए क्योंकि हरी सब्ज़ी में जो विटामिन प्रोटीन रहती हैं वो लाल सब्ज़ी में कहाँ मिलती हैं खाने के लिए तो देखिए कितना प्यारा और टेस्टी लग रहा है देखने में तो खाने में कितना अच्छा लग रहा होगा तो सो तो यहाँ पे देखिए मैंने मेरा काम सब कुछ हो गया था मैं फ्री हो गई थी मैनस्टे का दिन है आज और यहाँ पे देखिए मेरी बान्या है वो सो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लूँ क्योंकि मेरे पास तो काम करने के लिए कुछ ना कुछ बना ही रहता है मैं फ्री तो बैठती ही रही हूँ जब भी मैं बाकी सारे काम और नपट जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेती हूँ करने के लिए और बान्या सो जाती है तो मैं ऐसा ही काम ढूंढती हूँ ताकि वो मुझे मतलब उसके साथ मैं जो काम नहीं कर पाती हूँ तो मैं ऐसे काम करती रहती हूँ कि वो जब सो जाए तो मैं ऐसा काम कर लूँ कि वो मुझे कर मतलब सो रही हो तो मैं अच्छे से कर सकूँ तो यहाँ पे देखिए जी ए, मैं बान्या के जो कपड़े हैं वो उस इस कप मतलब इस रैग में बैठी रहती है कुछ ना कुछ फैलाती रहती है अपने कपड़े अभी देखिए मैंने लगा दिए तो वो फैला देगी वो जब उठेगी तो मैं उन्हें एडजस्ट कर रही थी अच्छे से और देखिए मेरे मोबाइल का जो कैमरा है मैं ध्यान दिया नहीं उसे उल्टा रख दिया और मेरी वीडियो भी उल्टी ही सूट हो गई है अभी तो मैंने ऐसे ही लगा दिए अच्छे से नहीं लगाए हैं क्योंकि अभी मैंने कपड़े बाहर निकाले हैं जो सर्दियों के तो मैंने ऐसे ही रख दिए अभी मैंने बैग में रखूँगी तो चलिए फ्रेंड मेरा यहाँ पे हो चुका है डिनर का टाइम तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ डिनर तो डिनर में मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं ये ईमानियाँ खाती है बॉयल मतलब आलू तो उससे अच्छे लगते हैं बॉयल हुए आलू तो उसके लिए बना रही हूँ में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी हस्बैंड जी लौकी की सब्जी लेकर आए थे तो मैं लौकी की सब्ज़ी बना दूँगी और आलू का भरता ही बना लूँगी आज तो मुझे भरता मतलब सर्दी में बहुत ही पसंद है आ रहे हैं सभी को आते हैं तो यहाँ पर बना रही हूँ लॉ की सब्ज़ी और डिनर करूँगी तो चलिए आप लोग भी कर लीजिए डिनर तो मैं अब अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ तो प्लीज़ मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक बने रहिए मेरी वीडियो में देखते रहिए एच डी के लाइव चैनल Bye bye. Take care.